अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। 15वीं शाबान की रात जिसे शबे बरात कहते हैं, क्या इस रात मुर्दा रूहें अपने अपने घर वापस आती हैं? जैसा कि आज लोगों का जहन बन चुका है और लोग इसको मानते हैं कि इस रात मुर्दा रूहें जो है अपने अपने घर वापस आते हैं और अपने घर वालों से जो है मिल करके जाते हैं, उनका जायज़ा लेकर के जाते हैं, तो इसकी क्या हकीकत है? क्या वाकयातन इस रात मुर्दा रूहें घर वापस आती हैं? तो ये बात याद रखिए कि अल्लाह ताला जो है जब किसी इंसान को मौत दे देता है तो फिर जब वो कब्रों में चला जाता है, अगर वो नेक अमल करता है तो उसे अल्लाह ताला जो है उसकी कब्र को जन्नत बना देता है और उसकी कब्र को जो है अल्लाह ताला कुशादा कर देता है, जैसा कि हदीस में जिक्र आया है। और अगर वो बुरा अमल करके किया है तो फिर अल्लाह ताला जो है उसकी कब्र को जहन्नम बना देता है। हदीस में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-क़ब्रु रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नत अव हुफ़रतुन मिन हुफ़रतिन नार, कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ है। ये इंसान के ऊपर है कि वो किस तरीके से अमल लेकर के जाता है। अगर वो नेक अमल लेकर के जाता है तो वो अपने कब्र को जन्नत पाता है, और अगर बुरे अमल लेकर के जाता है तो अपने कब्र को जहन्नम पाता है। तो ये इंसानों के ऊपर है कि वो किस तरीके से अमल लेकर के जाए, एक तरफ ये बात, और दूसरी तरफ जो है जो लोगों में मशहूर है कि इस रात जो है मुर्दा रूहें वापस आती हैं। तो अल्लाह ताला जब किसी को मौत देते हैं तो वो ये दो हालत में रहते हैं। तो अल्लाह ताला हदीस में ये भी आता है कि जब वो कब्रों में से आना चाहता है कि मैं जाऊँ अच्छे हालात में अगर होता है तो वो कहता है कि जाओ मैं अपने हालत के बारे में जो है अपने घर वाले को बता करके आऊँ। तो हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह ताला जो उसे कहते हैं कि नहीं, तुम सो जाओ, तुम्हें अब यहाँ से वापसी जाने का जो है कोई ऐसा कोई कानून नहीं, अब तुम कयामत के दिन जो है उठाए जाओगे। और हदीस के अंदर नम कनोमिल अरूस, कि तू सो जा जैसे कि नई नवली दुल्हन सोती है। इस तरीके से वो जो है अच्छा अमल करके अगर कोई किया है तो फिर वो जो है लेटा रहता है, और अगर बुरा अमल करके कोई किया है तो उसे भी जो है उसके कब्र में उसे अजाब होते रहता है और दोबारा जो है वापसी का कोई कानून नहीं। तो इंसान बुरा अमल करके जाए या फिर नेक अमल करके जाए तो उसके रूहें जो है वापस नहीं आती है। ये लोगों में जो मशहूर है कि इस रात जो है मुर्दा रूहें घर वापस आती है, तो ये बेबुनियाद बातें हैं, घड़ी हुई मनगढ़ंत बातें हैं, मौजू चीज़ है, लोगों ने इसको जो है ख़ुद से ईजाद कर लिया है और इसे जो है लोगों में ये बातें फैल गई है और लोग इस पर जो है खूब यकीन भी करते हैं कि इस रात जो है लोग मुर्दा रूहें घरों में वापस आती है। इसलिए लोग जो है घरों के अंदर जो है खूब मोमबत्तियाँ वगैरह जला करके रखते हैं और तरह तरह की चीज़ों का जो है लोग इंतज़ाम करते हैं और ये समझते हैं कि इस रात जो है मुर्दा रूहें घर वापस आती है। तो ये बात याद रखें कि जो जब इंसान मर जाता है तो दोबारा उसके वापसी का कोई काम नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात इस मसले को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।